फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के अवसर पर ना हम आज मैं बना रही हूँ टोमेटो भेज पुलाव। तो उसमें मैं ना टमाटर वमाटर डाल के बनाऊँगी और आलू गोभी मटर ये सब दूँगी। और हाँ, सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की ये सारी शुभकामनाएं। पेस्ट बनाने के लिए ना मैंने एक टमाटर लिया था, उसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन, इन सब का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया है इसका। और अब हम इसका पुलाव बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल रेसिपी, टमाटो वेज पुलाव। आज चलिए बनाते हैं बिना भिजल लगाए पुलाव। तो यहाँ पे मैंने घी डाला है, अपने चावल के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार घी डाले, और सब्जी जितना हो उसके अनुसार घी डाले। मैंने यहाँ घी डाला, तेज़पत्ता डाला, छोटी इलायची डाली, और उसे गोभी और मटर के साथ भुना है। फिर इसमें मैं टमाटर की प्यूरी डाली और आलू मसाले वसाले डालकर मैंने उसे भुना है। जनरली जो मसाले यूज़ करते हैं वो आप डालें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर। मैंने ना इसमें आज पाव भाजी मसाले का यूज़ किया है, तो उसे ना टेस्ट बहुत अच्छा आया है। तो आप भी डालकर देखो, अगर टेस्ट अच्छा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना तो आपको कैसी लगी। बस मैंने इसमें क्या किया ना, चावल को 2 मिनट भूना, और हाँ, आलू गोभी को थोड़ा पकने दे तभी इसमें चावल डाले। उसके बाद उसमें गर्म पानी डाले, जितना चावल उसका दोगुना पानी पड़ता है, 1 गिलास चावल तो 2 गिलास पानी। और पानी देकर तेज आंच पे पहले ढककर पकाना है, उसके बाद उसे कम आंच पे थोड़ी देर पकने दे। तो मेरी रेसिपी तैयार हो गई, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।